हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। कल आपने जाना कि शिखा जिनके साथ एक कमरे में अंदर चली जाती है और उसके साथ क्या होने वाला है, जिन उसके साथ क्या करेगा, आज हम जानेंगे इस भाग में। अगर आपने पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हॉरर वाली कहानियाँ आप तक जाती रहें। मेरा नाम है आकाश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अब आगे, शिखा और जिन कमरे में अंदर चले जाते हैं। शिखा जिन से कहती है, ओ जनाब, पहले अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। जिन थोड़ी सोच में पड़ जाता है। शिखा थोड़ी देर पहले मुझे मारना चाहती थी, लेकिन शिखा इतनी जल्दी कैसे बदल गई। लेकिन खैर, इन सब बातों को वह भूल जाता है और कहता है, अब शिखा मेरी हुई। जिन शिखा से कहता है, मेरा नाम मकसूद है और तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। तभी शिखा उसे बहलाने फुसलाने लगती है और उसके गले लग जाती है। शिखा जैसे ही उसके गले लगती है, जिन एकदम से आकर्षित हो जाता है और शिखा के होठों पर किस करने लगता है, उसके कपड़े फाड़ देता है और एक बार फिर उसके साथ संभोग करने लगता है। शिखा फिर से एक बार जिन का शिकार बन जाती है, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घरवाले भी उसका साथ छोड़ने लगे थे और इन कामों में उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी माँ भी और उसका भाई भी उसे ताने मारने लगा था कि शिखा, तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हुई है। गांव वाले हमसे बोलते हैं कि बिन ब्याही लड़की किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है, तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। लेकिन शिखा माँ से बोलती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने खुद से जिनके साथ संबंध नहीं बनाए। लेकिन उसकी माँ ये सब बातें नहीं समझती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। शिखा के पास घर से निकल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सब जिन देख रहा था। जिन उससे काफी दिनों से नहीं मिला था, लेकिन जिन उसी के घर में था। जिन ये सब होते हुए देख रहा था और जिन सोचने लगा कि अब तो शिखा सिर्फ मेरी हुई, क्योंकि उसके घर वालों ने भी उसे निकाल दिया, अब उसका कोई नहीं है, शिखा अब मेरी होने वाली है। एक तरफ उसे खुशी भी थी कि शिखा उसकी होने वाली है और एक तरफ उसे दुख भी था कि शिखा को उसे उसके घर से निकाल दिया। शिखा घर से निकल जाती है और एक जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और यह सब सोच रही थी, मेरे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसमें मेरी क्या गलती थी, और अपने आप को कोस रही थी और कह रही थी, ये सब उस जिन की वजह से हुआ है, मैं जिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और उससे बदला लेकर रहूंगी। इतना सोचते सोचते वह बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है, जिन उसके सामने आ जाता है। तब शिखा कहती है, तुम आ गए। जिन कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ, और जानवरों की तरह हंसने लगता है और शिखा से कहता है, शिखा अब तू कहाँ जाएगी, तेरे घर वालों ने तुझे निकाल दिया है, अब तो तेरे पास मेरे साथ आने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन शिखा को एक बात याद थी जो मौलवी ने उससे कहा था कि इस जिन को सिर्फ प्यार से काबू किया जा सकता है और प्यार से ही इससे बदला लिया जा सकता है, इस पर ताकत आजमाना तुम्हारे लिए खतरनाक है, ताकत से इसे हराया नहीं जा सकता है। ये सोचकर वह जिन के गले लग जाती है और जिन बोलता है, शिखा तुमको तुम्हारे घर वालों ने निकाल दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। जिस दिन तुम इस बच्चे को जन्म दे दोगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ आ जाओगी। और एक बार फिर शिखा जिन का शिकार हो जाती है और जिन उसके कपड़े फाड़ देता है, उसके साथ संभोग करने लगता है। लेकिन शिखा करती भी तो क्या, आखिर में वह जिन था। जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो कि आम आदमियों के बस की बात नहीं है। जिन ने शिखा के लिए एक बहुत ही बड़ा बंगला बना दिया। शिखा के पास दौलत, शौहरत, सुख, ऐसो आराम सब कुछ थे, लेकिन फिर भी शिखा खुश नहीं थी। शिखा धीरे धीरे जिन का भरोसा जीत लेती है और जिन को भरोसा दिला देती है कि वह सिर्फ जिन की ही है, वह सिर्फ जिन से ही शादी करेगी। वह उसको बहलाने फुसलाने लगती है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है।
जिनसे कहती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी दुनिया कैसी होती है, हमें भी तो पता चले तुम अपनी दुनिया में कैसे बन जाते हो और किस तरह खत्म होते हो, ये सब मुझे बताओ। जिन्न कहता है, शिखा तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताने जा रहा हूँ, वरना मैं ये बातें किसी को नहीं बताता हूँ। जिन्न बताना शुरू कर देता है कि मानव जैसे 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही हम 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हम उड़ सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, जादू जानते हैं, खजाना भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारा अग्नि तत्व प्रधान होता है, हमारी अनेक प्रजातियां हैं। अब तुम वो सुनो कि जिन कैसे होते हैं। कुछ जिन अच्छे भी होते हैं और कुछ जिन बुरे भी होते हैं। हम तब तक किसी को परेशान नहीं करते जब तक कोई हमारे घर की शांति को भंग नहीं कर देता या फिर हमें परेशान नहीं कर देता। अगर कोई हमें परेशान करता है और हमारी घर की शांति को भंग करता है तो हम उसे मारने तक की भी ताकत रखते हैं। हमारी प्रजाति में महिला जिन्न भी होती हैं जो कि बहुत ही समझदार होती हैं और पुरुषों को परेशान करती हैं, वह महिला को कभी परेशान नहीं करती हैं। जिन्न की कई प्रजातियां होती हैं। आज मैं तुमको एक एक करके कुछ प्रजातियों के बारे में बताता हूँ। एक प्रजाति बेताल की होती है, ये भविष्य देख सकते हैं, वह भूतकाल में भी जा सकते हैं। जो बेताल हैं वो पेड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं और बहुत सातर भी होते हैं। वो भविष्य को भी जान सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, वह भूतकाल में भी जाने की ताकत रखते हैं। एक प्रजाति वो होती है जो मनुष्यों का खून पीती है, महिलाओं और पुरुषों का खून पी लेती है, लेकिन ये जो प्रजाति है वो अब ना के बराबर बची हुई है। एक प्रजाति वो होती है जो इंसानों की दुनिया में ही रहती है लेकिन भेष बदल कर, ताकि इंसानों को भी खबर नहीं रखती है कि यह जिन्न है। जिन्न कहता है, तुम इंसानों की तरह, हम जिन्न की भी दुनिया होती है, हमारा भी परिवार होता है, हमारे भी बच्चे होते हैं, हम सफेद चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। और इतना कहकर जिन्न चुप हो जाता है। कुछ देर बाद शिखा बोलती है कि अच्छा ये बताओ कि आप लोग पैदा कैसे होते हो। जिन्न कहता है, हम लोग पैदा नहीं होते हैं, हम बन जाते हैं। जब तुम इंसान मर जाते हो तब भी हमारा वजूद बना रहता है, हम हजार सालों तक जीवित रहते हैं। शिखा कहती है, मतलब क्या है, बन जाते हो, क्या तुम पैदा नहीं होते। जिन्न कहता है, मतलब जो भी इंसान अकाल मृत्यु मरता है और उसकी जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिलती है और हजारों सालों तक भटकती रहती है। कुछ लोग तो प्रेत बन जाते हैं और कुछ जिन्न बन जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा होता है वह प्रेत बन जाते हैं, और जिनका अंतिम संस्कार जमीन के अंदर दबाकर होता है वह जिन्न बन जाते हैं। क्योंकि जो प्रेत होते हैं उनको जलाया जाता है, जिनको जलाया जाता है वो प्रेत बन जाते हैं। और वो क्यों बनते हैं, क्योंकि उनका जो एक तत्व होता है मिट्टी का, वह खत्म हो जाता है और उनके पास सिर्फ दो ही तत्व बचते हैं, आकाश और वायु, इसलिए प्रेत दिखाई नहीं देते और हम जैसे जिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि हमको मिट्टी में दबाया जाता है और मिट्टी वाला तत्व हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम दिखाई देते हैं। जिन्न कहता है, अभी तुमने सुना कि हमारा जन्म कैसे होता है, अब ये सुनो कि हमारा अंत कैसे होता है। जिन्न बोलता है कि हमें पराजित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं और जिस पर भी हमें गुस्सा आ जाता है हम उसे मार देते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान हमारे शरीर को ढूंढकर उसे जला देता है और अस्थियां गंगा में बहा देता है तो फिर हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और हम जैसे जिन्न का वजूद खत्म हो जाता है, इसलिए हम मरते नहीं हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। अब शिखा इतना सुनकर समझ गई थी कि उसे आगे क्या करना है। शिखा ने कहा, अच्छा आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ था और आप कैसे जिन्न बने। जिन्न कहता है कि यह बात हजारों साल पुरानी है, जब राजा महाराजाओं के दिन थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उस वक्त मेरी मम्मी और मेरे पापा एक हादसे में खत्म हो गए थे। मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी और मैं अनाथ हो गया था, मेरे पास खाने के भी लाले पड़ रहे थे, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैं कचरे से इधर उधर से खाना उठा लिया करता था। एक बार एक भले इंसान ने मुझे उस कचरे में से उठा लिया और मुझे पालने पोसने लगा, लेकिन उसकी जो पत्नी थी और उसका बेटा मुझे पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसका लड़का मुझे अपने साथ खेलने के लिए एक
बगीचे में ले जाता है। उस बगीचे के पास एक खाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ धोखा करेगा। उसने उस बगीचे के पास ले जाकर मुझे उस खाई में धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई। वहां पर जाकर उसने एक पेड़ के नीचे मुझे दफना दिया और कभी भी किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं अनाथ था। और मैं वहां पर इंतजार करता रहा कि कोई आए और मुझे वहां से ले जाए, लेकिन किसी ने मेरी खोजबीन नहीं की और मैं वहां पर बना रहा। मैं अपनी शक्तियों को अर्जित करता रहा और जब मैंने शक्तियां प्राप्त कर लीं, तब मैं सोच रहा था कि जिस दिन मैं यहां से आज़ाद हो जाऊंगा, उस दिन मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। लेकिन एक दिन जब तुम बाजार जा रही थी, उस वक्त तुम्हारा पैर उस पत्थर से टकरा गया था और मैं आज़ाद हो गया था। जब मैंने तुमको देखा, तुम्हारी सुंदरता पर मैं मोहित हो गया और मैं तुमसे प्यार करने लगा। इसलिए मैं तुम्हारे घर आया था और तुम्हारे साथ संभोग किया था। अब शिखा को सब कुछ पता चल गया था कि उसे किस तरह जिन्न से आज़ादी मिलेगी। जिन्न के सो जाने के बाद शिखा उसी पेड़ के पास जाती है और वहां पर गड्ढा खोद लेती है और उसकी लाश को निकाल लेती है। वहां पर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती है उसकी बॉडी को जलाने के लिए। जब जैसे ही उसकी बॉडी में आग लगा रही थी, तभी वहां पर जिन्न आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है, मैं पहले से ही जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। लेकिन शिखा को मौलवी की बात याद आ जाती है कि इसे सिर्फ प्यार से काबू किया जा सकता है। वह बहुत समझदार थी। उसने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी बॉडी को आग लगाऊं। मैं तो बस ये चाहती थी कि मैं भी इस बॉडी के साथ जल के तुम्हारे लोक चलूं, क्योंकि जब तक मैं मरूंगी नहीं, तब तक मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगी। जिन्न को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा, क्योंकि वह जानता था कि शिखा उससे प्यार करने लगी है। शिखा अपने धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है। जैसे ही शिखा कपड़े उतारती है, जिन्न उसके बदन को देखकर मदहोश होने लगता है। अब वह पूरे कपड़े उतार देती है और जिन्न उसको देखकर इतना पागल हो चुका था, एकदम से मदहोश हो चुका था, और उसे नहीं पता था कि वह जैसे ही जिन्न मदहोश होता है, इतने में ही शिखा उसकी चिता को आग लगा देती है और देखते ही देखते जिन्न जलकर खाक हो जाता है। जैसे ही जिन्न गायब होता है, उसी के साथ शिखा के पेट में पल रहा जिन्न का बच्चा भी गायब हो जाता है, क्योंकि शिखा को पता था कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये सिर्फ जिन्न का जादू है, क्योंकि इंसानों के पेट में कभी जिन्न का बच्चा रह ही नहीं सकता। इस तरह शिखा की जान बची। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें आपके खुद के YouTube चैनल AK.com पर। जय भोलेनाथ।